एक तो शहर का मौजूद मोल लोगों की पांच सात बेटे बना दो, एक मीडिया वाले बेटे मीडिया बना दो, एक प्रशासन के दवाई दे दो, एक क्या आदमी वाली टीम बना दो, मेरी जट्ठा भी को ले जाए दुनिया में एक भी सोमी, मेरे चिन्हित क्या है, मुश्किल कर दो, एक नहीं, दूसरी बात तो पिछले दिनों जमीन लोग धरना देकर लौट कराई है, भी जमीन चिन्हित करो, जगह जगह कराई वो बेचती भी स्थिति भी है या कोई नंबर भी कराई है परेशान करने की वो मेरे को लगा जमीन अपनी बैठे जात अपनी बैठे पार्टी अपना बैठे धर्म सिर्फ व्यापारी नहीं की कोई जाति थी न कोई पार्टी थी ना कोई धर्म और व्यापारियों के साथ अगर व्यापारियों कोई हित होता है अगर मेरे शहर के व्यापारी अगर परेशान है तो बात परेशानी अगर मैं नहीं सुनू तो मेरे को कोई दूसरा भी व्यापारी है सारे व्यापारी नहीं है ये आपके लिए और किसी बताए ही नहीं हमारे सारे व्यापारी तो चला जाने जाओ नहीं जाओ हम तो व्यापारी हैं हमें जाने था तो भी बात से पहले वो व्यापारी है हम बताए कर दिया था जितना चाहिए जाएगा हम ही जाए इतने व्यापारी तो आप तो भी व्यापारी आ रहे हो इस ऐसा क्या है हमने सब हमेशा परिवार को काम में हम दुख में आ गए हम से टैक्स वगैरह स्थान है ये हम से धन्यवाद जो हमारे सामने बुलावे हैं सुनो तीमन बिगड़ जाए नहीं जब तो करवा के छोटकी बू बनायो तीमन सुधर जाए नहीं कह गया सासू बनायो बहुत स्वाद बनाया और बड़ी शांति रखी कि आपके लिए बनाएंगे पांचवी बात की बट ये ऐसी जो घटना है ये बड़ी गलत है और इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ पेशेंस रखना पेशेंस से बड़ी चीज नहीं है और गांधी जी वाला तरीका अपनाना चाहिए अहिंसा का कभी भी मन में हिंसा पैदा करोगे ना मेरे मन में मैंने रोज पैदा कर लिया तो सामने वाले को उतना ही होता है जैसे आप एक मैग्नेट है ना ये तो एक टुकड़ा इसको अपने एन को ही चार्ज करेंगे एस उतना ही चार्ज होता है तो मन में एक तो बेस भावना निकाल दिया सबसे पहले तो सामने वाला उत्तेजित नहीं तो एक उत्तेजना दूसरी उत्तेजना को पैदा करती ये एक सिद्धांत है सीधी सी बात मैं कहता हूँ तो इसको अगर आप समझ गए तो आप किसी से लड़ाई नहीं करोगे आप अपना जो भी आपके आपको लग रहा था कि नगर पालिका की कार्रवाई गलत है
तो आपको बड़े पेशेंस से उसका शांति से घेराव कर लेना चाहिए। मानव चेयर बना के आप आगे बैठ जाते, आप कुछ नहीं बोलते, ये किया होगा, बट कहीं ना कहीं उत्तेजना जरूर हुई है जिससे कहीं ना कहीं मामला भड़का है, मतलब आपस में कोई गाली गलौज हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ऐसे नहीं मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोई उत्तेजना पैदा हुई तो उसकी उत्तेजना हुई, तो इसको इस चीज को अपन आज तक कभी रिपीट नहीं करेंगे। थोड़ा सा आप मेरे को आश्वस्त करेंगे, और नगर पालिका को भी आश्वस्त करेंगे, नगर पालिका आपकी है हमारी नहीं है, और जो भी नगर पालिका कार्रवाई करे कम से कम रेकॉर्ड बुला के कॉन्फिडेंस में ले लो, भाई ये कार्रवाई हम करने जा रहे हैं और ये करेंगे। आप हो सकता है तो आप कर लो सर, हमेशा ही मान्य विधायक महोदय महोदय ने भी अपनी पीड़ा जाहिर की, कई बार क्या होता है, क्यों होता है, कई बार क्या होता है, आदमी